गाइस बेसिकली ओला का ये जो क्रूज कंट्रोल है ना, ये काफी जबरदस्त है गाइस। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं अभी मोबाइल होल्ड करके गाड़ी चला रहा हूँ, तो अभी अपने ओला के साथ है ना गाइस एक्सपेरिमेंट करने वाले कि नॉर्मल। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे 30 डेज चैलेंज के तीसरे दिन में। गाइस आज तो मेरा चैलेंज खत्म ही हुआ रहता। मैं हर रोज में 7:30 बजे उठ के 8 बजे लगभग वॉक के लिए निकलता हूँ, लेकिन आज मेरी नींद ही खुली 8 बजे। और गाइस अभी पता है आपको, अभी लगभग 8:30 बज चुके हैं। ये देखो, मतलब अगर मेरी नींद खुलती नहीं ना, तो सिर्फ तीसरे दिन में ही, मतलब 2 दिन कंप्लीट के तीसरे दिन पे मेरा चैलेंज खत्म हो जाता था, मैं फेल हो जाता था। गाइस यहाँ पे अपने ओला को चार्जिंग पे लगा दिया है। सो गाइस अभी यहाँ पे देखिए, जहाँ पे मैं चल रहा हूँ ना, यहाँ पे एक बड़ा माउंटेन था। ये देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो आप देख रहे हो ना, ये सब माउंटेन को तोड़ के यहाँ पे सब बिल्डिंग्स बना दिए भाई। इसके वजह से पोल्यूशन धीरे धीरे, जो भी हमारे बड़ी बड़ी सिटीज़ जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, जो भी आजू बाजू की गाँव को एक्वायर कर रहे थे, जो भी माउंटेंस है ना, सब सब तोड़ के डेवलपमेंट हो रही है, तो भाई पोल्यूशन तो होगा ही ना। गाइस अभी जस्ट थोड़ी सा जॉगिंग किया, सांस फूल गई। आदत नहीं है ना, जब स्कूल कॉलेज के टाइम में तो होता था तभी कुछ लगता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हमारी हैबिट छूट जाती है जॉगिंग एक्सरसाइज की, सांस फूल जाती है। एक राउंड ही मारा ना तो सांस फूल जाती है। इसे कवर करने में बहुत टाइम लग गया। वॉकिंग से आ गया और यहाँ पे देखिए अपने स्कूटर को चार्ज पे लगाया था ओला को, लगभग 85% चार्ज हो गई है। तो गाइज अभी यहाँ पे लगभग 11 बजे तक चार्जिंग हो जाएगी। अभी बजे 9:15, मतलब और लगभग 2.25 घंटा लगेगा चार्जिंग के लिए। अब यहाँ से भी जा रहा हूँ शॉप के अपने वेयर हाउस में, वहाँ पे नाश्ता करूँगा। गाइज अभी आ गया हूँ अपने वेयर हाउस पे, तो अभी लगभग बज गए 9:45, तो अभी फटाफट नाश्ता कर लेते हैं। मैं है मेदू वड़ा और ग्रेप्स। गाइज नाश्ता करते करते मस्त सौरभ जोशी का ब्लॉग देख रहा हूँ। फिलहाल मैं कर रहा था एडिटिंग कंप्लीट हो गई है मेरी, गाड़ी बैठी करी मैंने, आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा मेरा कितना बड़ा पोपट हुआ था। मेरे को दुबई आया था बट मैं जा नहीं पाया, बिकॉज मेरा पासपोर्ट ही नहीं मिल रहा था, मैं जा ही नहीं पाया। सो गाइस अभी शॉप में हूँ, यहाँ का सब क्लियर हो गया है। अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ करण जाड़े और वहाँ पे अपने ओला लेके आज मैं जा रहा हूँ मार्केट में, क्योंकि क्या है ना गाइस, दिसंबर का महीना है, सीजन चालू हो रहा है, तो थोड़ा बहुत माल निकलवा देता हूँ। सो गाइस अभी आ गया हूँ बिल्डिंग की यहाँ पे, अपनी ओला भी रेडी है जर्नी के लिए, तो अभी यहाँ से सीधा हम निकलेंगे मार्केट के लिए। देखो गाइस बैटरी भी पूरी 100% चार्ज कर ली है, तो अभी बज रहे लगभग 1:30 बजने को आया है, तो आज मेरे को आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। अभी देखते हैं कितना परचेस होता है, कितना मतलब माल मिलता है अपने को मार्केट में, तो फटाफट चलो निकलते हैं। गाइस बेसिकली ओला का ये जो क्रूज कंट्रोल है ना, ये काफ़ी ज़बरदस्त है गाइस। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं अभी मोबाइल होल्ड करके गाड़ी चला रहा हूँ, बट बेसिकली आप जब भी क्रूज कंट्रोल गाइस यूज़ करते हो ना, तो आपको रेंज भी ज़्यादा मिलती है, और अगर कभी लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस पे आप जा रहे हो तो वहाँ पे हाथ को भी आपके मतलब रिलीफ मिल जाती है, बार बार एक्सीलेटर देने की ज़रूरत नहीं है गाइस। और 4-5 साल के बाद ना, ये मेरे पीछे का जो लैंड है ना, यहाँ से नवी मुंबई के विमान जो है ना, एरोप्लेन, वो यहाँ से फ्लाई करेंगे। ये पूरा नवी मुंबई का एयर। गाइस अभी यहाँ पे पानी लेने के लिए रुका था, तो अभी अपने ओला के साथ है ना गाइस एक्सपेरिमेंट करने वाले कि नॉर्मल चलाते वैसे, और अगर क्रूज कंट्रोल पे अगर अपन ओला को चलाते हैं तो रेंज में क्या डिफरेंस आता है वो चेक करेंगे। यहाँ पे देखो गाइस 85% की बैटरी है। नॉर्मली मैं जब भी अपनी लोकेशन पे जाता हूँ ना, तो 50 के नीचे ही मेरी बैटरी ड्रेन हो जाती है, तो आज चेक करते हैं कितने ड्रेन होती है बैटरी। गाइस अभी आ गया हूँ जंबो किंग के यहाँ पे, यहाँ पे अभी थोड़ा एक बर्गर खाएंगे और फिर आगे जाएंगे। सो गाइस अगर आपको फूड इंडस्ट्री में अगर कोई बिजनेस करना है ना, तो भाई जंबो किंग भी एक अच्छी चॉइस है। लगभग 20-25 लाख के इन्वेस्टमेंट में आपका ना एक फ्रेंचाइज आउटलेट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसके लिए ना आपको प्राइम लोकेशन पे जगह होना ज़रूरी है, मतलब हाईवे के यहाँ पे या फिर मेन मार्केट प्लेस में। एक बर्गर ऑर्डर किया था गाइस, अभी इसे फटाफट खा लेता हूँ। चलो गाइस अब यहाँ से निकलते हैं मार्केट के लिए। ये देखो गाइस मैं अभी आ गया हूँ लोकेशन पे, तो लगभग 63% की बैटरी बची हुई है, मतलब 10-15% का फ़र्क आता है जब हम क्रूज कंट्रोल यूज़ करते हो, तो 10-15% की आपको रेंज ज़्यादा मिलती है। सो
सो गाइस अभी ये माल हमने ले लिया है, तो यहाँ से जाते हैं दूसरे वेंडर के पास, बाकी का जो माल भी है वो सब ट्रांसपोर्ट में आएगा। गाइस दूसरे वेंडर के पास ये सब माल बनाने के ऑर्डर देके आया, ये लगभग अपने को 4-5 दिन में डिलीवर हो जाएगा। गाइस अब आ गया तीसरे वेंडर के पास, इनके पास से माल उठा लिया, आज बिल तो गाइस लगभग 1.5 लाख के ऊपर जाएगा। गाइस सभी परचेस हो गया है, लगभग अभी 7 बज चुके हैं, 3 वेंडर के यहाँ से अपन ने माल लिया, अभी 7 बजे भी यहाँ से निकलते, लगभग 1-1.5 घंटे में अपन पनवेल रीच हो जाएंगे। एक एक चीज़ है ना बढ़ जाती है, अभी ये देखो ये 2 सामान भी और एक्स्ट्रा ले लिया, अभी यहीं पे मेरे को 7:30 हो गए, तो भी और पर लेट हो जाएगा, अभी सीधा डायरेक्ट पनवेल के लिए निकल रहा हूँ। गाइज अभी यहाँ पे मैप डाल रहा हूँ पनवेल का लोकेशन, 1 घंटा 12 मिनट दिखा रहा है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज फाइनली आ गया हूँ शॉप के यहाँ पे, अभी बज गए 9:45। गाइज अभी आ गया हूँ मैं अपने वेयर हाउस में, और गाइज आज अपन ने जितना भी माल उठाया ना सबका माल का बिल लगभग 1.5 लाख के ऊपर बनेगा गाइज, और ये सब माल आने वाले 3-4 दिन में अपने पास उसके सभी पार्सल आ जाएंगे, क्योंकि स्कूटर लेके गया था, स्कूटर पे तो माल इतना आ सकता नहीं है, तो सभी माल ट्रांसपोर्ट में डाल दिया है। ये साल ना गाइज हमने 1 करोड़ का बिजनेस का टारगेट रखा है, तो वो टारगेट अचीव करने के लिए हमें अलग अलग स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी, बिजनेस को ग्रो करना पड़ेगा। अब लगभग 4 महीने बचे हैं हमारे पास फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के लिए, तो गाइज आने वाले ब्लॉग में ना काफ़ी सारी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। गाइज चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, मैं मिलता हूँ आपसे हमारे अगली वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।